बिल्कुल ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो हम आप लोगों को बताया था फर्स्ट आपका लेक्चर में रेशनल नंबर क्या होती है, रेशनल नंबर की डिफिनीशन बताया, ठीक है। अब सेकंड इसमें देखते हैं रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टीज में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एक बार अगेन रिवीजन करते रहो, क्लोजर प्रॉपर्टीज होती है आपकी ए अपॉन बी को रेशनल नंबर प्लस करते हैं सी अपॉन डी टू रेशनल नंबर लेती है, तो इसमें प्लस करने पर एक नया रेशनल नंबर होता है ई अपॉन ई एफ आता है, ठीक। ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज है, तो इसको हम लोग ने देख लिया क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी है कौन सी है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है आपकी, देखिए आप लोग ने सेवंथ क्लास में स्टडी किया है कि कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्रम को चेंज करना है, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए होता है, ठीक है। इसमें हम लोग टू रेशनल नंबर लेते हैं, ए अपॉन बी एंड सी अपॉन डी को टू रेशनल नंबर हम लोग ने लिया, ठीक है। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे और इनका क्रम चेंज करके प्लस करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है। तो आपका ये होती है ए अपॉन बी प्लस हो जाएगी सी अपॉन डी इक्वल आएगी आपकी, क्या हो जाएगी आपकी सी अपॉन डी और प्लस क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन बी। देखिए कम्युनिकेटिव ए अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, सी अपॉन डी भी रेशनल नंबर है, ठीक है। इसको देखिए ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी लिखा है, इक्वल करते हैं सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी करते हैं, मीन्स देखिए क्रम को हम लोग ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक। इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो एग्जाम्पल्स क्या होता है, देखिए हम लोग ने 1/2 ले लिया और क्या ले लिया 4/3 ले लिया, ये टू रेशनल नंबर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो इन दोनों को आपस हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं 1/2 प्लस करते हैं हम लोग क्या करते हैं 4/3 कर दिया, प्लस कर दिया इक्वल आपको क्या करना है हमको 3/4 और क्या करना है प्लस 1/2 करना है, मीन्स आपका देखिए क्रम को चेंज कर देना है, ठीक है। तो देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा आपका 6 आएगा, यहाँ पर सॉरी 4/3 क्या हो जाएगा 4/3 रहेगा, ठीक। क्रम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, ठीक है। तो 1/2 और 4/3 कर दिया, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाएगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, प्लस करते हैं तो 3 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं तो 8 आ जाएगा। तो इक्वल देखिए इधर साइड भी सेम वही प्रोसेस करते हैं हम लोग, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा और आपका 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या आएगा 8 आएगा और 3 को 2 से करते हैं तो क्या हो जाएगा 3 आएगा, तो 3 यहाँ आ जाएगा। मीन्स देखा आप लोगों ने क्या देखा, देखिए 11/1 क्या होता है इसका इक्वल आएगा आपका 11/6 आएगा, देखिए दोनों क्या है इक्वल है, 11/6 इक्वल 11/6 मींस कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही है फॉलो हो रही है, मींस आपका दोनों प्लस करने पर कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही है फॉलो हो रही है, ठीक है। मींस आपका 1/2 और 4/3 प्लस किया 1/2 प्लस 4/3 किया, क्रम को मैंने चेंज किया 4/3 को इधर पहले लिख दिया और 1/2 को फिर बाद में लिखा, तो दोनों प्लस किया और ये आपका 11/6 आंसर आया। मीन्स आपको देखिए क्रम दो आंसर सही आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड हो रही है, ठीक है। तो आपका कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज समाप्त। नेक्स्ट आपकी कौन सी है, थर्ड प्रॉपर्टीज आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग 3 रेशनल नंबर लेते हैं, कैसा 3 रेशनल नंबर लेंगे उसमें हम लोग क्या करते हैं प्लस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेट आपका क्या करते हैं, लेट 3 रेशनल नंबर कौन कौन से मानते हैं, लोग ए अपॉन बी ले लिया, ठीक है, और क्या लिया सी अपॉन डी ले लिया और एंड क्या हो जाएगा आपका ई अपॉन ई एफ लेते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं सिर्फ ब्रैकेट का खेल है, इसमें ब्रैकेट लगाते एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए कैसे होती है, ए अपॉन बी प्लस किया हम लोग और क्या कर दिया सी अपॉन डी कर दिया, ठीक। इन दोनों के साथ ब्रैकेट लगा दिया, प्लस का क्या कर दिया हम लोग ये कर दिया प्लस का साइन और ई अपॉन ई एफ हो जाएगा, ठीक है। इक्वल करना है इसके इक्वल में क्या आएगा आपका ई ए अपॉन बी को बाहर रखना है और आपका क्या करना है प्लस सी अपॉन डी प्लस आपका क्या हो जाएगा ई अपॉन ई एफ हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज मींस आपका कितने इसमें 3 रेशनल नंबर हम लोग लेते हैं ए अपॉन बी और सी अपॉन डी ई अपॉन एफ लिया, ठीक है। इसमें हम लोग देखा कि ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी इन दोनों के साथ पहले ब्रैकेट लगा हुआ है और ई अपॉन क्या है ओपन है आपका, फिर इक्वल क्या हो जाता है ए अपॉन बी ओपन रहता है और सी अपॉन डी ई अपॉन एफ इसमें ब्रैकेट
एग्जांपल्स देखते हैं, तो एग्जांपल्स आपका इसका क्या हो जाएगा आपका, तो इसका देखिए थ्री लेसन नंबर वन अपॉन टू ले लिया, थ्री अपॉन फोर ले लिया, और क्या ले लिया आपका फाइव अपॉन टू ले लिया। कोई भी नेशनल नंबर आप लोग लेकर के काट सकते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए इनको आपस में क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू प्लस हो जाएगा आपका, क्या होगा थ्री अपॉन फोर प्लस हो जाएगा आपका, क्या होगा फाइव अपॉन टू हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला इन दोनों साथ पहले ब्रैकेट होगा, फर्स्ट और सेकंड के साथ होगा, और थर्ड वाला ओपन रहेगा, इक्वल क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन टू, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा थ्री अपॉन फोर प्लस आपका हो जाएगा फाइव अपॉन टू रहेगा। तो आपका इन दोनों के साथ ब्रैकेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन फोर इन दोनों को देखिए प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये फोर ही एलसीएम आएगा, ठीक है। और टू को फोर से डिवाइड करेंगे टू आएगा, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे टू आ जाएगा, प्लस देखिए फोर को फोर से डिवाइड करेंगे तो वन आएगा, थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री आ जाएगा, ठीक। और प्लस करना है किससे, हमको फाइव बाई टू से करना है, ठीक। इक्वल देखिए क्या करना आपका, वन बाई टू एज इट इज रहेगा, इन दोनों को सॉल्व करना प्लस का, इन दोनों को सॉल्व करेंगे क्या जाएगा फोर एलसीएम आएगा, और थ्री प्लस क्या हो जाएगा आपका टेन हो जाएगा, ठीक है। टू को फोर से डिवाइड किया तो क्या है आपका टू आया, टू को फाइव से मल्टीप्लाई किया अप्लाई किया तो क्या आएगा टू आ गया, इन दोनों को ब्रैकेट में रखिए अभी, क्योंकि ये प्लस करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा आपका फाइव बाई फोर आएगा, और प्लस हो जाएगा आपका फाइव बाई टू आ जाएगा, ओके। और इसमें क्या वन बाई टू प्लस क्या हो जाएगा आपका थर्टीन बाई क्या हो जाएगा फोर आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में प्लस करके लिख देना है, ठीक है। देखिए आपका क्या करना है, इसको आपको प्लस करके लिखना है, किसको लिखना है फोर बाई फाइव प्लस करेगा फाइव बाई टू रहेगा, सॉरी फाइव बाई फोर रहेगा, और क्या रहेगा फाइव बाई टू रहेगा, इक्वल आपका क्या रहेगा आपका वन बाई टू रहेगा, और क्या हो जाएगा आपका प्लस रहेगा थर्टीन बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या है इसका फोर एलसीएम आएगा, और ये फोर से फोर डिवाइड करेंगे फाइव आ जाएगा, ठीक है। फोर को करेंगे तो टू आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा टेन आ जाएगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा देखिए, इक्वल इन दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा फोर आएगा, फोर को फोर करेंगे तो टू आएगा, प्लस आपका थर्टीन बाई फोर आएगा, तो मीन्स आपका फिफ्टीन बाई फोर, और क्या है आपका इक्वल फिफ्टीन बाई फोर, मीन्स आपने देखा दोनों क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। मीन्स आपके कमी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही है होल्ड हो रही है, ठीक है। एक बार अगेन समझते हैं, जो एग्जाम्पल्स लिखा है हमने, ठीक है, हम लोग ने माना था वन अपॉइंट टू, और क्या माना थ्री पॉइंट फोर और फाइव पॉइंट टू माना था, इन दोनों को आपस में प्लस किया, ठीक है। इन दोनों साथ ब्रैकेट लगा है और ये क्या ओपन है, ठीक है। फिर ये क्या किया वन अपॉन टू को ओपन कर दिया, और थ्री अपॉन फोर प्लस फाइव अपॉन टू इनके साथ ब्रैकेट कर दिया, और इसका प्लस करके अपन लिख दिया और फाइव अपॉन फोर आया, इसका चाहिए फाइव अपॉन फोर आया, ठीक, ओके। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टीज है साइन क्या लेना आपको, प्लस साइन लेना है, ठीक है। आपको प्लस साइन का यूज करके ये यूज करना है, ठीक। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, थ्री रेशनल नंबर लेते हैं, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, एंड क्या ले लिया ई अपॉन एफ ले लिया, ये थ्री रेशनल नंबर ले लिया, ठीक है। हमको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाना है, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूट मीन्स क्या होता है, बांटना होता है, इनको आपस में बांटना है, ठीक है। और प्लस साइन रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी रहेगा प्लस भी रहेगा, ठीक है। ए अपॉन बी, ठीक है, इसको हम लोग को मल्टीप्लाई रखना है, और क्या है सी अपॉन डी प्लस क्या रहेगा आपका ई अपॉन एफ रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए अपॉन बी को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ए अपॉन बी सी अपॉन डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ए अपॉन बी क्या ई अपॉन एफ के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो इक्वल क्या आ जाएगा आपका देखिए, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन डी प्लस हो जाएगा आपका ई अपॉन एफ, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा आपका ई अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। देखा आपने क्या हुआ, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ, थ्री रेशनल नंबर हम लोग ने ले लिया, इसमें ए अपॉन बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ हो जाएगा, ठीक है। इन दो रेशनल नंबर को हम लोग प्लस के साइन लिया और उसमें मल्टीप्लाई साइन है, तो ए अपॉन बी को डिस्ट्रीब्यूट करना बांटना है, इसके साथ
सी अपॉन डी के साथ भी होगा और ई अपॉन एफ के साथ होगा, तो अपन ये लिख दिया। ठीक है, इसके बेस पर एक एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं।